यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बंगला लैंग्वेज यहाँ पर भी लिखी हुई है, मोहतरमा फातिमा जना, ये बंगला लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जी हाँ, इस तरफ भी बंगला लिखी हुई है। यहाँ पर और भी लैंग्वेज लिखी जा सकती थी लेकिन नहीं, बंगला ही लिखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सुमैन है, आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग रिएक्शंस। तो जी आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ बंगला लैंग्वेज के बारे में। बंगला लैंग्वेज के बारे में हमेशा हम लोगों ने यही सुना है, और बहुत से बांग्लादेशी भी कहते हैं कि कायदे आजम जो थे उनको बंगला लैंग्वेज से बहुत नफरत थी, जिसकी बेस पे उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को कहा कि सब उर्दू लैंग्वेज जो होगी ना, नेशनल लैंग्वेज होगी, वो उर्दू लैंग्वेज होगी, मतलब जो सब बोलेंगे। इसके अलावा जो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आप बोल सकते हैं, लेकिन उर्दू सबको सीखना होगी। सो इस बेस पे कहा गया कि कायदे आजम जो हैं बांग्लादेशियों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बंगला लैंग्वेज से बहुत नफरत करते हैं। सो इस टाइप की चीज़ें ना, आज उसी पे बात होने वाली है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जो वीडियो, उसमें आप लोग देखेंगे कि कायदे आजम का जो मज़ार है, उनका जो मज़ार है वहाँ पर, उनके मज़ार पर भी बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है। और अगर आप पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान में घूमें फिर विज़िट करें, तो आप लोग देखेंगे कि हर एक हिस्टोरिकल प्लेस पे बंगला लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ है। इससे आपको पता चलेगा कि बंगला लैंग्वेज आज भी जो है पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही है जैसे पहले थी। ये नहीं कि उसे रिमूव कर दिया गया और उसे चेंज करके उर्दू वहाँ पे लिख दी गई या इंग्लिश कर दी गई। सो आज हम ये वीडियो देखते हैं, वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगेगा। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बंगला लैंग्वेज यहाँ पर भी लिखी हुई है, मोहतरमा फातिमा जना, ये बंगला लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जी हाँ, इस तरफ भी बंगला लिखी हुई है। यहाँ पर और भी लैंग्वेज लिखी जा सकती थी लेकिन नहीं, बंगला ही लिखी हुई है कि ताकि लोगों को पता चले कि बंगला लैंग्वेज को, पाकिस्तानियों को बंगला लैंग्वेज से कितनी मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ रेहान, वेलकम टू रेहान क्रिएशन। फ्रेंड, इस वक्त मैं कायदे आज़म के मज़ार पे आया हुआ हूँ, और आप लोग जो बांग्लादेश से देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि मैं कायदे आज़म के मज़ार पे आया हूँ और उनके मज़ार के ऊपर बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है। तो इस वीडियो का स्पेशली बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोग कहते थे कि कायदे आज़म ने जब 1952 में पाकिस्तान में जो लैंग्वेज पर मसला चला था और उन्होंने पाकिस्तान की लैंग्वेज उर्दू रखी थी, और कुछ लोग कहते थे कि वो उनको बंगला लैंग्वेज से नफरत थी, तो उनको बंगला लैंग्वेज से कितनी मोहब्बत थी। इतने साल बाद, उनके फोत होने के बाद भी आज उनके मज़ार के ऊपर बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है। तो ये उनका मज़ार है। और इसके अलावा जो फातिमा जिना थी, उनकी सिस्टर थी, उनके भी मैं नीचे कब्र पे लेके चलूँगा, वहाँ पर भी बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है। इसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कायदे आज़म और उनकी बहन और उसके अलावा जितने भी पाकिस्तानी हैं वो बंगला लैंग्वेज से कितनी मोहब्बत करते हैं कि आज तक उनकी कब्र पे बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है। हालांकि यहाँ पे सिंधी, बलोची, पठान, मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, उर्दू के अलावा उनके साथ और भी कोई लैंग्वेज लिखी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है। अच्छा, इस वक्त मैं अंदर जा रहा हूँ और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर, और डेली यहाँ पर उनके लिए परेड भी होती है सुबह के टाइम, और अब मैं सामने उनकी जो ग्रेव है वहाँ पे जा रहा हूँ, और देखते हैं कि उनकी कब्र के ऊपर बंगला लिखी है कि नहीं लिखी हुई। जी हाँ, बिल्कुल उनकी माशाल्लाह कब्र मुबारक पर बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है। ये आप राइट साइड पे देख रहे हैं कि ये बंगला में लिखा हुआ है, और लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं ये उर्दू में लिखा हुआ है, और उर्दू में भी लिखा हुआ, बंगला भी लिखा हुआ है। उनकी वफात कब हुई थी वो भी लिखी हुई है, उनकी पैदाइश कब हुई थी पर डे वो भी लिखी हुई है। यहाँ पर आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर और भी ज़ुबान लिखी जा सकती थी, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर बलोची, सिंधी और सराइकी डिफरेंट ज़ुबानें थी, लेकिन यहाँ पर उर्दू और बंगला इसीलिए लिखी गई है ताकि आने वाले वक्त में पता चले लोगों को कि उनको बंगला लैंग्वेज से कितनी मोहब्बत थी। जो 1952 में ये कहा गया था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बंगला लैंग्वेज को छोड़कर उर्दू मुसलत करना चाहते थे कि उनकी
बंगला लैंग्वेज से नफरत थी, वो सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी कब्र के ऊपर आज भी बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है। इसके बाद हम लोग चलते हैं फातिमा जिन कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह की जो सिस्टर थी उनकी कब्र में चलते हैं, फातिमा जिन्ना की, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की, और देखते हैं कि उनकी कब्र पे और उनके साथ लियाकत अली ख़ान और नूरुल अमीन साहब उनकी भी कब्रें मौजूद हैं, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। ये लोग आप कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार का मुआयना भी कर सकते हैं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से उनका मज़ार सजाया गया है। चलें अब हम लोग नीचे चलते हैं। अच्छा, ये अब हमें लेके जा रहे हैं फातिमा जिन्ना की कब्र पे, उनकी कब्र पे हम लोग जाके देखते हैं कि वहाँ पर के बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, क्योंकि उनके भाई की कब्र पे तो बंगला लैंग्वेज लिखी हुई थी। और ये उधर लेके जा रहे हैं फातिमा जिन्ना की कब्र पे, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बंगला लिखी हुई है कि नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर तो उर्दू में लिखा हुआ है मोहतरमा फातिमा जिन्ना, और उनकी वफ़ात कब हुई थी और पैदाइश कब हुई थी ये भी लिखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई कोई बंगला लैंग्वेज। ओहो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बंगला लैंग्वेज यहाँ पर भी लिखी हुई है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, ये बंगला लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इतनी देर हो गई इनकी वफ़ात को, लेकिन आज तक भी यहाँ पर इनकी कब्र मुबारक पे बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है। ये पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, दोनों मुल्कों के लिए बहुत फख्र की बात है ये देखा जाए कि दो मुल्क जुदा हो गए हैं, लेकिन उनकी जो कह सकते हैं ना आप, दिल जुदा नहीं हुए। ये बंगला लैंग्वेज यहाँ पर लिखने का मतलब यही है कि कितनी मोहब्बत थी पाकिस्तानियों को कि उन्होंने यहाँ पर आज तक ये बंगला लैंग्वेज को मिटाया नहीं है, बिल्कुल ये ऐसे के ऐसी लिखी हुई है। और ये आप लोग देख रहे होंगे, ये कब्र मुबारक जिनकी है, मोहतरमा नूरुल अमीन साहब की, मोहतरम नूरुल अमीन साहब की, इनकी पैदाइश भी लिखी हुई है और एक तरफ वफात भी लिखी हुई है, और दूसरी तरफ आप लोगों ने पहले भी देखा था कि यहाँ पर भी बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है। ये देखे, यहाँ पर भी बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है। कितनी देर हो गई पाकिस्तान और बांग्लादेश को जुदा हुए हुए, लेकिन नहीं, यहाँ पर आज भी बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है। ये देखें, ये एक और है सरदार अब्दुल रहीम निस्तर साहब, इनके यहाँ पर उर्दू लिखी हुई है। देखते हैं इस तरफ, जी हाँ, इस तरफ भी बंगला लिखी हुई है। यहाँ पर और भी लैंग्वेज लिखी जा सकती थी, लेकिन नहीं, बंगला ही लिखी हुई है कि ताकि लोगों को पता चले कि बंगला लैंग्वेज को, पाकिस्तानियों को बंगला लैंग्वेज से कितनी मोहब्बत है। अब हम लोग आगे चलते हैं लियाकत अली ख़ान साहब की कब्र मुबारक पे और उनकी साथ बेगम की कब्र मुबारक पे, वहाँ पर बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। जी हाँ, ये लियाकत अली ख़ान साहब, इनकी भी कब्र पे माशाल्लाह बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है। वाओ यार, हर जगह लिखी, राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये इस तरफ आप देख रहे हैं बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है, और ये राइट साइड पर आप देखें ये उर्दू भी लिखी हुई है। इसी तरह ये उनकी बेगम की कब्र मुबारक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बंगला लिखी हुई है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बंगला इंग्लिश में लिखा है। जी बिल्कुल ठीक हो गया, अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि ओके जी, तो ये थी वीडियो, और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक मैसेज है बांग्लादेश के लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा शिकवा है, शिकायतें हैं पाकिस्तानी से, और आई विश कि कभी मैं उन शिकायतों को दूर कर सकूं, लेकिन ये एक एविडेंस है कि कायदे आज़म को
बंगला लैंग्वेज से, ठीक है, कोई हेट नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि वो एक नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे, उसकी बेस पर उन्होंने कहा कि सब जो है उर्दू सीख लें, जस्ट बिकॉज़ कि उन्होंने कहा कि उर्दू लैंग्वेज जो है नेशनल लैंग्वेज होगी और सब यही बोलेंगे. सो इस बेस पे काफ़ी प्रोपोगंडा किया गया, और प्रोपोगंडा हमेशा से ही होता रहा है, और ये कोई एक बात नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. और एक बात के ये सिर्फ कायदे आजम का मज़ार था, ठीक है. अगर आप पाकिस्तान में आते हैं ना, मेरी बांग्लादेशियों को रिक्वेस्ट है कि वो पाकिस्तान में आएं, विज़िट करें, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में आते हैं ना, तो आप जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएंगे, वहाँ पे आपको बंगला लैंग्वेज लिखी हुई दिखाई देगी, उर्दू, बंगला और इंग्लिश, ठीक है. और मैंने कभी सोचा नहीं था कि कौन सी लैंग्वेज है ना, बिकॉज़ जब भी मैं गई ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, वहाँ पे बंगला लैंग्वेज लिखी होती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि कौन सी लैंग्वेज है ना, बिकॉज़ देन आई वॉज़ वेरी लिटल. और अब जब बड़े हुए हैं, तो हमें पता चला अच्छा बांग्लादेशी लैंग्वेज है जो कि हर जगह पे लिखी हुई है. लाइक अगर आप लाहौर के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे जाएं, आप लोगों को ये कॉमनली लिखी हुई दिखाई देगी हर जगह पे. सो ये एक अच्छी बात है कि बंगला लैंग्वेज जो है अभी भी वहाँ पे वैसे ही लिखी हुई है, और इसको अरेज़ नहीं किया गया. अरेज़ करके कुछ और भी लिखा जा सकता था, लेकिन ये अभी तक है पाकिस्तान में, और हर जगह पे आप इसको देख सकते हैं. स्पेशली जो स्पेशल ख़ास ख़ास मुकाम है, जैसे अलामा इकबाल का मज़ार है, वहाँ पे भी लिखी हुई है. तो ये बेसिकली इस बात का एविडेंस है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है, लेकिन प्रोपोगंडा फैलाया गया और लड़ाई दिलवाई गई. वेल, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, आप लोगों ने लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाजमी थम्स अप देने हैं, वीडियो को लाजमी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले. अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. सो जल्दी से जाओ मुझे इंस्टा पर फॉलो करें. विल सी यू टिल देन, टेक केयर, लव.